कम टू आवर यूट्यूब पोर्टल स्ट्रक्चर सारी जी दिस इज मनीष कुमार दास सो लास्ट डे हम लोग मोमेंट एरिया मेथड्स को पढ़े थे मॉड्यूल टू में बेसिक्स मेथड्स प्रिंसिपल्स एंड थ्योरम उसके अंतर्गत हम लोग मोमेंट एरिया थ्योरम को पढ़े थे उसके थ्योरम को समझे थे दोनों थ्योरम का uh, क्या डेफिनेशन क्या थ्योरम स्टेट स्टेटमेंट था स्टेटमेंट ऑफ थ्योरम उसके बाद उस थ्योरम उस मेथड्स का uh, जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है स्लोप और डिफ्लेक्शन निकालना फर्स्ट थ्योरम स्लोप का स्टेटमेंट दे रहा था और सेकेंड सेकंड स्टेटमेंट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ सेकंड थ्योरम इज बेस्ड ऑन टू फाइंड दी डिफ्लेक्शन है ना तो ये हम लोग पढ़े थे आज हम लोग इसके सम्स के बारे में समझेंगे कि सम्स को कैसे सॉल्व किया जाता है उसके क्या क्या स्टेप्स होगा है ना और आप लोग नोटबुक और पेन ले लीजिए हर एक छोटे छोटे टॉपिक को नोट कर कीजिएगा बिकॉज हम लोग ट्वेंटी डेज के अंदर सिलेबस को कम्प्लीट करना है कंप्लीट करना है ना ओके सो स्टार्ट करते हैं हम लोग सो so, पहला थ्योरम क्या था पहला थ्योरम था टू तो फाइंड दी स्लोप अब स्लोप कैसे निकलता स्लोप निकलता आप लोगों को कि एरिया ऑफ एम बाई ए डायग्राम अगर हम निकाले तो उस ज्वाइंट के उस पॉइंट के अबाउट जहां पे हमको स्लोप निकालना है तो कोई भी दो पॉइंट के के अबाउट हम लोग एरिया कैलकुलेट कर लेते तो वहां पे हमको स्लोप निकल जाता किसका एरिया एम बाई ए डायग्राम का और दूसरा क्या था

क्या चीज से स्टार्ट किए uh, क्या चीज से स्टार्ट किए हम लोग बेंडिंग मोमेंट से स्टार्ट किए तो so, पहले फिगर को देख लीजिए ये एक कैंटीलीवर बीम है जिसपे की यूडीएल है यहां से यहां तक लगा हुआ यहां से यहां तक यूडीएल है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड जिसका इंटेंसिटी कितना है डब्ल्यू किलोमीटर है है ना डब्ल्यू किलोमीटर है और हमको बी पे रोटेशन एंड डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना है ठीक है ना तो so, सबसे पहले हमको इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा बेंडिंग मोमेंट के लिए पहला स्टेटमेंट पहला जो स्टेप था दैट इज

और आपको यूडीएल उस सीजी पे एक्ट करता है तो का हाफ कितना हो by ये टोटल कितना ये समझ में आ है कि नहीं बिल्कुल आ रहा होगा ये देखिए यहाँ पे है 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 ना है ना यहाँ पे square by ये यहाँ पे ये देखिए okay. अब हमको क्या करें वंस वी हैव वैल्यू ऑफ मोमेंट वी कैन इजीली ड्रॉ द बेंडिंग मोमेंट एंड एम EI डायग्राम है ना bending moment and M by

लेफ्ट साइड और ये हो गया राइट right साइड लेकिन लेकिन जस्ट अपोजिट जस्ट अपोजिट अगर ऐसे हो है ना लेफ्ट साइड से क्लॉक और राइट right साइड से एंटी क्लॉक तब क्या हो जाता है पॉजिटिव होता है करेक्ट ये ध्यान पर रखिएगा तो यहाँ पे देखिए इस दो ज्वाइंट को अगर कंसिडर करेंगे तो यहां से ऐसे मूव कर रहा है मतलब लेफ्ट साइड से क्या कर रहा है ये फॉर्म हो रहा है हो, हो रहा है कि नहीं तो इसलिए निगेटिव हुआ है ना ये ध्यान पर इसको नोट कर लीजिएगा सो so, अब क्या हो गया मेरा अब मेरा ये बेन्यूवन जो है निगेटिव फाइंड आउट हुआ बेन्यूवन क्या हो गया निगेटिव फाइंड हुआ हुआ ना अब मेरा क्या हो जाएगा अब मेरा एम बाई डायग्राम रहे ई आई इज कॉन्स्टेंट तो ई आई आई के जगह पे तो एम बाई का मतलब क्या हो गया ये भी समझ समझना जरूरी है एम बाई सो एम स्टैंड फॉर हि मोमेंट मोमेंट कितना आया था डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई एट है ना और ये आया था आपको ई आई है ना तो ये टोटल कितना हो गया डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई एट ई आई है ना देखिए यहाँ पे आ रहा है एम बाई में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बिल्कुल आ रहा है ओके सो एम बाई डायग्राम एज इट इज बना दिया अब आपको एक चीज और कन्फ्यूजन होगा कि सर ये क्या है ये ऐसे ऐसे आप दिए हैं ये तो ये अगर देखिए ये अगर बेंडिंग मोमेंट क्या बेंडिंग मोमेंट बेंडिंग मोमेंट अगर बेंडिंग मोमेंट अगर पॉजिटिव आए ठीक है ना तो लोडिंग क्या हो जाएगा लोडिंग क्या हो जाएगा डाउनवर्ड है ना और बेंडिंग मोमेंट अगर निगेटिव आए है ना तो लोडिंग क्या हो जाएगा अपवर्ड हो जाएगा ये जस्ट बेंडिंग मोमेंट अगर पॉजिटिव तो रहे तो लोडिंग डाउनवर्ड और बेंडिंग मोमेंट निगेटिव रहे तो लोडिंग अपवर्ड इसलिए यहां पे हम लोग अपवर्ड शो किए है ये लोड को शो कर रहा है अब आप एरिया निकाल रोटेशन निकालना है एट बी पे बी पे रोटेशन निकालना है मतलब कहां पे निकालना है इस पॉइंट पे रोटेशन निकालना है ना तो रोटेशन एट रोटेशन एट बी मतलब चेंज इन रोटेशन ऑफ बी ए मतलब बी ये बी पॉइंट है और ये ए पॉइंट है ना तो बी ए पे तो अब आपको पता है कि थीटा बी माइनस थीटा ए करेंगे करेंगे कि नहीं करेंगे करेंगे लेकिन थीटा ए मेरा क्या हो जा रहा है थीटा ए का वैल्यू क्या हो जा रहा है जीरो हो जा रहा है क्योंकि थीटा ए जो है फिक्स इंड पे है मतलब ए पे है है ना तो ए पे आपको पता है कि थीटा का वैल्यू जीरो होता है और डिफ्लेक्शन का भी वैल्यू होता है एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन है ना पता है आपको ओके तो अब आपको यहां से पता चल गया कि हमको थीटा भी निकालने के लिए क्या करना पड़े एरिया ऑफ एम बाई डायग्राम बिटवीन ए टू बी यहाँ से यहाँ तक का एरिया क्या करेंगे निकाल लेंगे है ना एरिया निकालेंगे. किसका निकालें किस का डायग्राम का है ना एम बाई डायग्राम किसका एम बाई आई डायग्राम का ओके अब हमको क्या करना पड़े एरिया निकालना एरिया आपको पता है ये चूंकि पैराबोला है है ना पैराबोला वन डिग्री और जो होता है उसका होता है एरिया क्या होता है एरिया पता है is, मेरा यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो है वो है एल वाई टू यहां से यहां तक डिस्टेंस है ना एल वाई टू एलवाई टू है, है ना अब आपको पता है हाइट कितना है तो एल वाई टू यहां पर ले लिए और हाइट कितना है एट तो अब आप इसको कैलकुलेट करो तो कितना हो जाएगा कितना हो जाएगा वैल्यू डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय फोर्टी एट ई आई होगा कि नहीं होगा देखिए तो बिल्कुल होगा तो यहां पे कितना आएगा डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय अब ये मतलब क्लॉकवाइज रोटेशन अब ये क्लॉकवाइज रोटेशन हुआ क्यों चीज समझना है करेंगे बीम को. और जैसे ही लोडिंग यहां पे लोडिंग पड़ रहा था ना आप देखिए लोडिंग कैसे पड़ रहा है यहाँ पे फिगर पे है तो आपको पता है यहाँ पे देखिए ये लोडिंग डाउनवर्ड डाउनवर्ड ही पड़ रहा है ना लोडिंग है ना लोडिंग हो रहा है तो इसका डिफ्लेक्टेड शेप कैसे बनेगा डिफ्लेक्टेड शेप ऐसे बनेगा बनेगा कि नहीं बनेगा अब आप देखो यहाँ पे क्या हो जा रहा है यहाँ पे आने के बाद ये होरजेंटल हो जा रहा है मतलब जो भी स्लोप बनेगा मेरा यहां से बनेगा इसी पे ना हम लोग स्लोप बनाएंगे थीटा बी है कि नहीं है तो यहां पे तो स्लोप जीरो हो जा रहा है ना तो थीटा बी तो थीटा बी माइनस थीटा ए तो ये क्या हो गया अब इसको आप क्या बोलोगे एरिया ऑफ एम बाई थीटा बीस तो एरिया ऑफ एम बाई डायग्राम बिटवीन ए एंड बी ए एंड बी के बीच में हम लोग ए एंड बी के बीच में हम लोग थीटा निकालना है तो उसका एरिया कैलकुलेट कर लेंगे किसका जो एरिया फॉर्म है तो एरिया का आपको पता है कि वन बाई थ्री बी इन एच होता है तो यहाँ से आपको रोटेशन बात आए क्लॉकवाइज क्यों होता है उस चीज़ को समझना है ना उस चीज़ को समझना है देखिएगा जैसे ये डिफ्लेक्ट हुआ ऐसे ऐसे डिफ्लेक्ट हुआ अगर फिर लोड पड़ता तो ऐसे डिफ्लेक्ट होता था तो अब आप देखो ये ऐसे बन रहा है ना मतलब इस डायरेक्शन में जा रहा है ना थीटा थीटा आप देखो ऐसे मूव कर रहा है ऐसे मूव कर रहा है इसलिए ये क्लॉकवाइज हुआ करेक्ट अब आपका क्या है अब आपका डिफ्लेक्शन कैसे निकला है ना डिफ्लेक्शन कैसे निकला तो डिफ्लेक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे डिफ्लेक्शन निकालने के लिए फिर से अगर आपको समझना है तो फिर से आप समझ सकते हो क्या समझोगे देखो जैसे कि मान के चलिए ये बीम है यहाँ पे लोड लग रहा था ना लोड लग रहा था तो इसका डिफ्लेक्टेड सेप हम लोग मान के चलिए कि ऐसे बना दें तो क्लियर रहेगा है ना तो ये डिफ्लेक्शन तो यही निकालना है ना हमको यही निकालना मतलब यहाँ से यहाँ तक का हम लोग मोमेंट ले लेंगे और यहाँ पे निकालना है ये पॉइंट मेरा क्या है बी है तो अब आप देखो यहाँ से यहाँ तक का एरिया क्या हो गया एरिया मेरा यही हुआ ना डब्ल्यू एल स्क्वायर में फोर्टी एट या और उसका यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना था एल वाई टू था समझिएगा यहाँ से यहाँ तक का लेंथ जो है एल वाई टू प्लस थ्री एल वाई एट है तो ये कैसे है एल बाई टू था और यहाँ से यहाँ तक का जो था आप फिगर में देखिएगा तो ये आपको दिखेगा ये आपको दिखेगा कि पैराबोला का जो होता है इधर से यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो होता है मतलब ऐसे अगर गए तो ये होता है थ्री बाई फोर इंटू एल और एल यहाँ पे क्या L by है एल बाई टू है ना तो ये यह यहाँ से यहाँ तक हो गया और ये इसके बीच का डिस्टेंस जो है दैट इज एल बाई टू मतलब थ्री एल बाई एट प्लस एल बाई टू यही हो गया सेंट्रोइडल डिस्टेंस हुआ कि नहीं हुआ हुआ तो देखिए आप यहाँ पे वही चीज़ किया है किया है ना यहाँ पे वही चीज किया है लिया है अब ये वैल्यू आ गया एग्जामिनेशन में, कि में और एस एस सी लेवल के एग्जामिनेशन में भी पूछता है तो ये टोटल डिफ्लेक्शन मेरा क्या हो गया ये एक चीज फंडामेंटल जो है आपको पहले इलास्टिक का ड्रॉ करके देखना पड़ेगा कितना हो रहा है, है ना चलिए एक बार और दूसरा क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं और ये वीडियो का जो लेंथ जो है ये थोड़ा सा ट्वेंटी मिनट के अराउंड जाएगा इसीलिए घबराइएगा नहीं बने रहिएगा ओके okay. दूसरा इक्वेशन क्या है डिटरमाइन द रोटेशन एट ए डिफ्लेक्शन एट सी एंड ई ऑफ द गिवन गिवेन मतलब थीटा ए निकालना है और डेल्टा सी एंड डेल्टा ई निकालना है है ना अब आप देखिए ये सिंपली सपोर्टेड बीम है दिख रहा है आप लोगों को सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसमें की बीस किलोमीटर बीस किलोमीटर लोड लग रहा है ये देख लो बीस किलोमीटर सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसमें कि बीस किलोमीटर लोड लग रहा है कहाँ पे लोड लग रहा है एक यहाँ लग रहा है और एक यहाँ लग रहा है दोनों इंच से कितने डिस्टेंस पे लग रहा है तीन तीन डिस्टेंस पे लग रहा है और कोई लोड नहीं लग रहा है मतलब ये बीम को आप डायरेक्टली बोल सकते हो दिस इज दिमेट्रिक केस ऑफ लोडिंग क्या बोल सकते हो सिमेट्रिक केस ऑफ लोडिंग है ना ऑन आइदर साइड तो डायरेक्टली पहले ये चीज नहीं पता थी ये जो मैंने लिखा ट्वेंटी किलोमीटर ये लोड नहीं पता था मुझे ये रिएक्शन कैसे होता था इस रिएक्शन को हम लोग समझेंगे अभी है ना चलिए तो पहला स्टेप क्या हो गया चूकी इसमें आर एन आरबी है ना आर एंड आर बी है ना आर एंड आरबी है तो आर एन आरबी को निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा द फर्स्ट स्टेप इज रिएक्शन तो रिएक्शन में डायरेक्ट हम लोग क्या लिख दिए ड्यू टू सिमेट्रिक लोडिंग आर एक्व आरबीव टोटल लोड डिवाइडेड बाय टू

मतलब सी और सी पॉइंट पे कितना होगा सी पे और डी पे कितना होगा इधर से सी पे भी जाइए या फिर डी पे भी जाइए बात बराबर होगा कोई सीमेट्रिक लोडिंग है तो ट्वेंटी अब आपको साइन कन्वेंशन तो पता था अगर ऐसे रहता तो ये पॉजिटिव हम लोग लेते लेते ना ये लेफ्ट साइड हो गया और ये राइट right साइड हो गया हो गया ना अब आप देखो अब आप देखो क्या करना है अब आप देखो ये ए जो है ऐसे करके बनाएगा कि नहीं अगर इसके अबाउट लेंगे इसके अबाउट लेंगे तो ये क्या करेगा ऐसे करके मूवमेंट करेगा इसीलिए ट्वेंट इंटू थ्री तो ये कितना हो होगा सिक्सटी किलोमीटर मीटर किलोमीटर मीटर इज द यूनिट ऑफ मोवमेंट अब एम ई निकालना है एम ई निकालना है तब क्या हो गया मतलब यहां पे निकालना है मोमेंट मोमेंट यहां पे निकालना है तो एक तो बीस किलोमीटर के कारण लग रहा था तो बीस गुने यहां से यहां तक का डिस्टेंस तीन और यहां से यहां तक का डिस्टेंस दो है ना तो तीन दो पांच है ना होगा कि नहीं होगा ये टोटल डिस्टेंस जो है ये टोटल डिस्टेंस जो है यहाँ से यहाँ तक ये चार है है ना चार मीटर है, है ना तो इसका हाफ यही होगा दो होगा तो दो तीन दो पाँच हो गया प्लस माइनस अब देखो ये क्या कर रहा है ये ऐसे बना रहा है ना ऐसे बना रहा है लोड है ना ऐसे बना रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 इंटू सो हंड्रेड माइनस हाउ मच इट इज हाउ मच इट इज हाउ मच कम्स सिक्सटी अब ये केस जो है दिस इज कॉल्ड प्योर बेंडिंग केस कौन सा केस प्योर बेंडिंग मतलब क्या हो गया कि एक ऐसा बीम एक ऐसा सेक्शन जिसमें कि बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट रहे और सीयर फोर्स जीरो रहे इसका सीएर फोर्स डायग्राम बनाओगे तो कुछ इस तरीके का बनेगा है ना कुछ इस तरीके का बनेगा डायग्राम यही बनेगा तो यहां पे देखो सीयर फोर्स जीरो और बेंडिंग मोमेंट क्या हो जा रहा है कांस्टेंट हो रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं प्योर बेंडिंग बेंडिंग चलिए अब हमको क्या करना है ड्रॉ करना, करना है तो हम लोग क्या हो जाए बेंडिंग एज इट इज ड्रॉ हो गया एम बाई आई डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो अब एम बाई आई डायग्राम में आप लोगों को समझना होगा मोमेंट यहाँ से यहाँ तक का जो आई का वैल्यू था वो आई का वैल्यू कितना था अब आप देखो आई का वैल्यू कितना था आई का वैल्यू आई ही था आई का वैल्यू देखो यहाँ पे आई ही है है ना इतना दूर का रह इसीलिए लेकिन जब भी हम इस सेक्शन में घुसे इस सेक्शन में घुसे तो मेरा वैल्यू आई का क्या हो गया टू आई हो गया मतलब जो भी सिक्सटी था सिक्सटी को हम लोग कितने से डिवाइड कर दिए टू ई आई से डिवाइड कर दिए सो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ थर्टी बाई ई मतलब ये जो वैल्यू था ये यहाँ था और यहाँ से घट के यहाँ आ गया यहाँ आ गया और एक स्ट्रेट लाइन ऐसे मिला दी हम लोग तो डायग्राम इस तरीके का बन गया है ना और चूंकि पॉजिटिव है तो लोडिंग क्या हो गया डाउनवर्ड हो गया है ना करेक्ट कोई दिक्कत नहीं है ओके okay. अब आपको क्या निकालना है रोटेशन निकालना है रोटेशन निकालना है मतलब क्या कि ये बीम को सबसे पहले डिफ्लेक्टेड शेप देखिए कैसे होगा तो ये बीम का डिफ्लेक्टेड शेप तो ऐसे ही होगा होगा कि नहीं होगा बिल्कुल होगा अब आपको अब आपको अगर रोटेशन निकालना है रोटेशन निकालना है तो आपको डायरेक्टली पता है कि रोटेशन मतलब टेंजेंट निकाल लीजिए यही ना हो गया रोटेशन थीटा ए हुआ ना हुआ कि नहीं हुआ ओके तो थीटा ए तो थीटा ए निकालना है, मतलब एरिया ऑफ एम बाई डायग्राम मतलब इसका एरिया कहाँ से कहां तक यहां से यहां तक का लेंगे तो यहां से यहां तक का डायग्राम क्या हो गया ये एम बाई डायग्राम हुआ मतलब एरिया ऑफ एम बाई डायग्राम बिटवीन ए एंड ई ए और ई के बीच में तो अब आप अब सबसे पहले हमको क्या देखना है सबसे पहले हमको देखना है कि सबसे पहले देखना है कि इसका एरिया हमको मिलना है तो इसका कोऑर्डिनेट जो है सिक्सटी बाई है कितना है सिक्सटी बाई ई है कितना है सिक्सटी बाई ई आई है तो वन बाई ट्राइंगल है तो वन बाई टू यहाँ पे देखिए वन बाई टू इंटू बेस इंटू हाइट बेस मेरा लेंथ तीन था लेंथ यहाँ पे तीन था है ना और हाइट मेरा ये है सिक्सटी है, है ना

अब ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है डिफ्लेक्शन अब फिर से हम एक बार ड्रॉ कर रहे हैं तो इस, इसका डिफ्लेक्टेड से पैसे ही बनता बनता कि नहीं बनता अब हम लोग सबसे पहले क्या करते सबसे पहले करते क्या आ, सबसे पहले हम लोग क्या करते आ, के लिए टेंजेंट ड्रॉ करते टेंजेंट ड्रॉ करते और ये भी टेंजेंट ऐसे होता तो अब आपको क्या पता चल गया क्या पता चला हम लोग डिफ्लेक्शन तो यही निकालना था यहां से यहां तक का वैल्यू क्या निकालना था हमको यहीं से यहां तक का निकालना था, लेकिन लेकिन डिफ्लेक्शन तो यही हुआ ना यही हुआ यहां से यहां तक का ये निकालना है लेकिन ये तो एक्स्ट्रा हो जा रहा है ना हो रहा है कि नहीं बात समझिएगा पहले ये एक्स्ट्रा हो जा रहा है तो सबसे पहले हम लोग इस पार्ट का पहले

अब आपको कन्फ्यूजन जो होगा कन्फ्यूजन अगर होगा तो मैं थोड़ा छोटा कर रहा हूं देखिए वन बाई टू वन बाई टू इंटू सिक्सटी बाई मतलब इसके हम लोग इस वाले पार्ट को हम लोग पहले अभी देख रहे हैं ना इस वाले पार्ट को देख रहे हैं ध्यान रखिएगा वन बाई टू इंटू सिक्सटी बाई इंटू थ्री है ना और ए से हम लोग ले रहे हैं ए से हम लोग ले रहे हैं तो ए से हम लोग ले तो लो लेंगे तो क्या हो जाएगा ए से डिस्टेंस कितना है उसका टू बाई थ्री यहाँ से ट्राइंगल अगर ऐसे है ऐसे है तो इधर से जाएंगे तो कितना हो जाता है उसका सी जी टू बाई थ्री एल है ना है ना तो एल मेरा क्या है तीन है तो टू इंटू थ्री इंटू टू बाई थ्री इंटू थ्री प्लस अब और कोई एरिया है यस ये एरिया है ये भी एरिया है ना ये भी एरिया है तो इस एरिया को आप फोकस करेंगे तो इस एरिया में हम लोग क्या करेंगे थर्टी बाई ई जो लिखा है इंटू टू यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है दो है दो और यहाँ से यहाँ तक का जो सी है सी क्या हो गया मेरा यहाँ से यहाँ तक का ये जो है आपको तीन है और इसका सी क्या हो गया दो डिवाइडेड बाई दो रेक्टेंगल का सी है ना तो टोटल मेरा ये आया तो यहाँ से आपको ई e का वैल्यू जो है ई e का वैल्यू कितना आ गया ई e का वैल्यू आ, आ गया आपको वन एट्टी प्लस टू फोर्टी बाई ई दैट इज फोर ट्वेंटी अब ये 420 ट्वेंटी जो आया ये क्या आया ये आया ये आया, ये आया ये नहीं आया है अभी ये आ, कलर चेंज कर लेते ताकि आप लोग समझने में बेहतर हो मान के चलिए ऐसे बना ये टोटल आ गया है ना सॉरी सॉरी हाँ ये चीज मेरा अब आ गया है यहां से यहां तक का वैल्यू जो है डेल्टा ई -E मेरा पता हो गया फोर एटी बाई है ना सॉरी फोर ट्वेंटी फोर ट्वेंटी बाई अब आपको क्या करना है नाउ यू हैव टू फाइंड द डिफ्लेक्शन एट दिस पॉइंट मतलब सी यहाँ पे फाइंड आउट करना है करना है ना यहाँ पे फाइंड आउट करना है मतलब इस पॉइंट पे आपको डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना है और इस पॉइंट का डिफ्लेक्शन क्या है डेल्टा सी अब आपको क्या करना है यहाँ से यहाँ तक का पता है हमको अब यहाँ से यहीं तक का निकालना है ना इसमें से हम क्या करेंगे ये जो डेल्टा ई डेल्टा डेल्टा सी निकाल तो डेल्टा ई जो मेरा यहाँ पे निकला है डेल्टा ई डेल्टा ई में से इस वैल्यू को हम लोग हटा देंगे यहाँ से यहाँ तक का तो मेरा क्या आ जाएगा आपका डेल्टा सी आ जाएगा तो वही हम लोग किए हैं देखिएगा क्या किए हैं डिफ्लेक्शन ऑफ सी एव ई ई से एव जो डिफ्लेक्शन वो मेरा निकल गया कितना थ्री थर्टी बाई ईआई प्लस टू इंटू टू बाई टू ये कैसे आया तो थर्टी बाई ईआई मतलब क्या हो गया कि आपका एम बाई ईआई डायग्राम जो था वो ऐसे बना था ऐसे बना था ना है ना ऐसे बना था तो हमको इस एरिया को पहले निकालना होगा इस एरिया को है ना इस एरिया को हम लोग कैलकुलेट इसका ऑर्डिनेट कितना था थर्टी बाई EI, इसका लेंथ था? दो था और सीजी कितना होगा टू बाई टू तो यूट अब टोटल आपको डेल्टा ई e पता था डेल्टा e पता था कितना था डेल्टा ई e? डेल्टा ई e मेरा था डेल्टा ई e मेरा कितना था फोर ट्वेंटी बाई माइनस सिक्सटी बाई यू विल गेट द वैल्यू ऑफ थ्री सिक्सटी बाई यूनिट करेक्ट कोई दिक्कत नहीं है कोई दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा फिर हम लोग एक्सप्लेन करेंगे अगले दिन हम लोग कॉन्जुगेट बीम मेथड को समझेंगे थैंक यू फॉर वॉचिंग स्ट्रक्चर सारी वेलकम